और पांच राज्यों में चुनावों की घोषणा के बाद ही चुनावी पारा बढ़ने लगा है। हालिया मामले पंजाब से जुड़ा हुआ है, जहां आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल को ही पंजाब का मुख्यमंत्री उम्मीदवार समझकर वोट करें। अब मुद्दा यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए केजरीवाल पंजाब में ऐसी छवि बना रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में वे दिल्ली की जनता को धोखा देंगे? यह महज पंजाब की जनता के साथ लुभावने वायदे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने केजरीवाल को उनके पैसा स्वीकार करने वाले बयान पर जवाब मांगा है। केजरीवाल ने गोवा में कथित तौर पर मतदाताओं को कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवारों से पैसा स्वीकार करने लेकिन वोट आपको देने की बात कही थी। यही मान के वोट करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। मैं इसलिए कहा कि जो भी वादे पूरे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं भागेंगे, पंजाब के लिए जो जो वादे करें वो पूरे करवाएंगे। पंजाब के सियासी घमासान में सुन लिया आपने, इसी बात के कयास हमेशा से लग भी रहे थे और लोगों के जहन में सवाल भी कौंध रहे थे। शायद मनीष सिसोदिया ने सबका जवाब दे दिया, मनीष ने कयासों पर मुहर लगा दी। इस बयान के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया। पंजाब से अकाली बीजेपी ने केजरीवाल की प्रशासनिक और राजनीतिक क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। अब जब इसका ऐलान हो गया कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, अब तो इसका बिल्कुल ही खात्मा ही हो जाएगा। अब तो कोई मुंह नहीं लाएगा क्योंकि इसको कोई पसंद नहीं करता। जो बिल्ली है वो अब थैले से बाहर आ गई है। इसका कारण ये नहीं कि इनके पास लीडर नहीं है, इसका कारण ये है कि पंजाब के अंदर इनकी पार्टी का बुरा हाल हो गया है। सवाल दिल्ली में भी उठने लगे हैं। दिल्ली बीजेपी ने भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, तो कभी उनके सहयोगी रहे योगेंद्र यादव ने कहा कि केजरीवाल इस्तीफा देकर पंजाब जाएं, जीते या हारें पंजाब में ही रहें। पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से घुसने से तो कहीं बेहतर है कि आप सामने के दरवाजे से जाएं, आप स्पष्ट घोषणा करें कि हाँ मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, पंजाब की जनता फैसला करे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए, पंजाब की जनता को फैसला लेने दीजिए, अगर जीते तो मुख्यमंत्री बनिए पंजाब में रहें और अगर हारे तो भी पंजाब में रहें। मनीष सिसोदिया के बयान से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल उठने लाजमी है कि क्या वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर है भी या नहीं। जिस दिल्ली की जनता ने उनको तख्तो ताज पर बिठाया, वो दिल्ली की जनता अब ये सवाल जरूर पूछेगी कि आखिर जिस मंसूबे के साथ हमने आपको वोट करा, उस वोट का हिसाब कौन देगा। कैमरामैन योगेश के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़ दिल्ली।